जान के आया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, तुसी उस स्थान के दर्शन करने जा रहे हो। इस स्थान का नाम है गुरद्वारा नानक सीरा साहिब। इस स्थान से गुरु नानक पातशाह जी कदों आए, क्यों आए? जदों इतों के लोगों ने धन गुरु नानक पातशाह जी याद किया कि सतगुरु जी साड़ी बांह फड़ लो, पानी बहुत जहरीला ते कौड़ा है जिसके कारण बीमारियां लग रही ने, लोग मर रहे हैं, काल पैन दी निशानियां बढ़ रही ने। धन गुरु नानक पातशाह जी इस स्थान पर आए, लोगों ने पूछा तुसी की चाहते हो? सतगुरु जी, इस शहर का पानी, इस पिंडा का पानी बहुत जहरीला ते कौड़ा है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने कहा, भाई मरदाना रबाब छेड़, रबाब छेड़ी अपने चरणा की खड़ा जी पहनी हुई सी, वो जो छुआई उतो सोमा छिमिया, जल छिमिया, जल निकलिया मोटर का पानी जरा संगत जी, वो कुछ चिर वास्ते बंद हो जाता है। लाइट बंद होने के कारण मोटर खराब हो जाती है, पानी बंद हो जाता है, मगरों सप्लाइया बंद हो जाती, पानी बंद हो जाता है। पर धन गुरु नानक पातशाह के घरों अमृत वर्गा जल जरा अज चौबी घंटे इतने जड़िया शहर दंगत छक के जाएँ है मिठा। जे पिंड वासियों शहर वासियों पुछीद कि सरकार ने तो पानी मुहैया करके दिता है, पर उस पानी का इस जल का कुछ फर्क है, वह कहते हैं कि पर पानी अज भी कौड़ा है। जरा पानी जल है, अमृत है, ये केवल गुरु नानक पातशाह के घर में ये जल मिठा है। संगत जी, इस स्थान के दर्शन जरूर करो। ये सचखंड श्री हजूर साहब तो 180 किलोमीटर अगे है। इस बिदर दे विच आण के सतगुरां दे चरणां च नमस्कार करके जिहड़ा भी इस स्थान ते आण के अरदास बेनती करता है, सतगुरु सच्चे पातशाह उन्हां दी अरदास सरवण कर लैंदे, सुन लैंदे हन। आओ इस स्थान ते आण के अपने बच्चियां नूं ते आप भी दर्शन करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। Thank you.